जयपुर में फैशन के साथ दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। बुनकर सेवा केंद्र जयपुर एवं स्काई लिंक इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग के संयुक्त तत्वाधान में नवोश्रिति 2022 का हुआ शुभारंभ। राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में बुनकर सेवा केंद्र जयपुर एवं स्काई लिंक इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग के संयुक्त तत्वाधान में नवोश्रिति 2022 कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक नरेश कश्यप ने बताया कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग आधारित प्राकृतिक रंगों, धागों के परिधान निर्माण एवं बुनकरों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में भारतीय पारंपरिक कलाओं में बुनकरों के योगदान को याद करते हुए कहा कि स्वरोजगार आधुनिक समाज की आवश्यकता है तथा इनकी कला को बचाकर प्राचीन भारत के स्वरोजगार की धारणा को बचाया जा सकता है। बुनकर सेवा केंद्र के तपन शर्मा ने बुनकरों हेतु किए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला एवं बताया कि किस प्रकार सेवा केंद्र प्रकृति को बचाते हुए कला को सुरक्षित कर रहा है। कार्यक्रम में रहे अतिथि महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय से डॉक्टर विक्रम गौतम ने अपने उद्बोधन में भारतीय कुटीर उद्योग भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हर हाथ काम ही आज की आवश्यकता है। कार्यक्रम का संचालन शानशक सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालय, सामाजिक संस्थाएं, संगठन शिरकत कर रहे हैं। देखिए, युगानुकूल तरीके से किसी देश की अर्थनीति बदलना ये समय की मांग हो सकती है, लेकिन भारत की ताकत तो उसके अपनी जो आत्मनिर्भरता थी, उसका जो स्वावलंबन था, जो उसकी हस्तक्षेप था, जो अंतर्गत था, जो बुनकर थे, हाथों का जो काम होता था, उसने उस गांव की अर्थव्यवस्था को ताकत दी थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी जिसे आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं, जिससे MSME को, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन की बात करते हैं, और उसमें यही उनकी उदास भावना है कि देश के अपने पारंपरिक उद्योग धंधे जो देश की जरूरतें पूरी करें। आज पूरा देश और दुनिया एक बार फिर से पुरातन उस तरीके के वस्त्रों की तरफ, और आप देख सकते हैं कॉटन के हाथ से बने वस्त्रों की डिमांड यूरोप में सर्वाधिक है, जिनका इस तरीके के वस्त्रों से कभी ताल्लुक नहीं होता था। जो पूंजीपति विकसित देश है, इसका मतलब भारत के उस आर्थिक तंत्र में स्वावलंबन की हस्तियों की पूरी ताकत है। आज ये जो नवाचार हुआ, जो शुरुआत थी, और जिसको फैशन डिजाइनिंग कहते हैं, तो मुझे अभी बताया कि नवदेश नीति हुआ भारत की, कि परिधान जो हो वो भारत का परिधान दुनिया पहने, क्योंकि योग को तो अपना लिया लेकिन भारत के परिधान को अपनाए, तो भारत के जितने बुनकर हैं, जितने हथकरघा हैं, हस्तशिल्प हैं, उनको ताकत मिले। इस तरीके के कार्यक्रम वो समाज को, उन लोगों को ताकत देते हैं जो नीचे जमीनी तौर पर। आज दिन का प्रोग्राम का आयोजित किया गया, आज की दिन जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और हैंडलूम, जैसे हैंडलूम पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग आज साल में प्लास्टिक रिसाइकलिंग से जो एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च करी गई है, जिसमें पूरा कलेक्शन बढ़ाया गया प्लास्टिक रिसाइकलिंग, और इसके साथ साथ टॉक शो भी आयोजित किया गया। BIS इसमें एक फैशन शो भी आज किया गया, जिसमें प्लास्टिक रिसाइकलिंग रिलेटेड जो प्रोजेक्ट किया था। विक्रम जी, सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्लास्टिक रिसाइकिल एक शक्ति है, ये पूरा विकास की मुहिम है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे विश्व में पर्यावरण बिगड़ रहा है, उस पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। इसमें जो स्काईलिंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, उसने एक थीम ली है कि यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, उससे पर्यावरण को क्या सुरक्षा मिल सकती है, संरक्षण मिल सकता है, इसलिए हम लोगों ने ये थीम रखी है। और इसमें मूल रूप से यदि देखें तो जो बॉटल्स होती हैं उनका धागा बनेगा, जो आपकी प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं उनसे मटेरियल बनेगा, और उससे कपड़े, थैले, और अभी मैं आपको अभी थैला डिस्प्ले करवाऊँगा जो हमारे इंस्टीट्यूट ने बनाया दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र के साथ में, वो आपको लगेगा नहीं कि ये जो बिक्री
20 प्लास्टिक बोतल उनसे बनाया गया, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर हैं नरेश कश्यप जी, इनके प्रयास से और तपन जी के प्रयास से उसको हमने इस तरीके से डाल दिया है कि आप बता नहीं सकते कि वो कपड़ा है या पुरानी पड़ी बोतल है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर विक्रम गौतम सिंह है और महाराज ने आज का जो हमने प्रोग्राम है वो प्लास्टिक रिसाइकिल के ऊपर है, क्योंकि प्लास्टिक एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है, हमारे देश की नहीं पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या है, तो जिसको हमने निवारण करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु है जिसको यदि ज़मीन में भी गाड़ दिया जाए और 50 साल बाद भी निकाला जाए तो वो खराब नहीं होती है, तो हमको हमने उसको डिस्पोजल करने के लिए उसको परिधान के अंदर बदल दिया। तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करके हम कई परिधान, कई प्रकार के बेडशीट, कई प्रकार के चादर, इस प्रकार के प्रोडक्शन के अंदर लेके आ रहे हैं ताकि वो वापस से रिसाइकिल होकर हमारे यूज़ में आ सके। साथ में जो अखबार की रद्दी होती है उसके द्वारा हमने कपड़ा बनाया है और उसके द्वारा हमने कई प्रोडक्ट तैयार किए, जिससे हमारे ग्रामीण भाइयों को, बुनकर भाइयों को रोज़गार मिल सके, उनका स्तर